चढ़ते कला टाइम टीवी के विशेष प्रोग्राम देश प्रदेश लाइव के सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मेरे नाल मेडिकल तो जगजीत जी तो मैं रणबीर सिंह तुहाडा अपना दोस्त इस प्रोग्राम में लैके हाजिर हाँ जिद्द असं गलबात करांगे न्यूजीलैंड बारे। न्यूजीलैंड बारे बहुत सारिया धारनावां जिहड़ियां पॉजिटिव ने बहुत सारिया नैगेटिव ने विद्यार्थियों दीआं। सो अज असीं उन्हां विद्यार्थियों की गल करांगे जिहड़े विद्यार्थी जाण तों पहलां कुछ खास पॉइंट सोचते हैं। पहला सब तो पॉइंट जो घरों विद्यार्थी कागज़ लैके किसी भी एजेंट कंसल्टेंट्स को दिमाग के सैटलमेंट पी आर नाम का एक वर्ड जरूर घूम रहा होंगे। सो किहड़े-किहड़े मुल्क ने जिथे पी आर होंगी है जिन्हों के पोटियां के उपर गिणा जाने वाला न्यूजीलैंड एक बहुत खूबसूरत मुल्क है जिहड़ा कि बड़े संजीदा तो सुहिरद ढंग दे नाल पी आर करवा रहा उन्होंने बहुत वड्डे पद्धर से सपोर्ट कर रहा। इस चीज़ को लैके बहुत रुझान भी इस वक्त वध्या न्यूजीलैंड विद्यार्थियों का, बहुत विद्यार्थी वर्ग उधर नूं तुर रहा है क्योंकि स्टेबिलिटी एजुकेशन दे विच भी है इमीग्रेशन पॉलिसीज़ दे विच भी है। इस तों अलावा वीज़ा दीआं रिक्वायरमेंट वीज़ा दीआं शर्तां पक्के होण दे ढंग पी एस डबल्यू कॉलेज की सपोर्ट एजेंट्स की चोण बहुत सारिया अहम गल अज्ज दे शो दे विच करांगे। स्वागत है तुहाडा बहुत बहुत थैंक यू। शुरुआत मैं इत्थे करना चाहूँगा जिवें मैं भूमिका दे विच जिक्र कीता कि आखिर अल्टीमेटली सौ हथ रस्सा सिरे दे गंढ एक पंजाबी दे दिमाग दे विच गल जरूर होंगी कि पक्के होना किसी ना किसी ढंग दे नाल। नो डाउट स्टडी वर्क एंड सैटल न्यूजीलैंड का एक नारा हैगा अपने आप दे विच। कंपैरिजन जो असीं करदे हैं बाकी दे देशों दे नाल जे यूके नूं बाहर कढ़ दी क्योंकि यूके दी पॉलिसीज रही है नहीं हैगी। आस्ट्रेलिया बड़ी पेचीदा है उन्हों समझना औखा है कि बच्चा पक्का होगा ज नहीं होगा। स्टेट वाइज जो कंपीटिशन करते हैं सिर्फ एको ही देश रह जाता कैनेडा, बट कैनेडा के नालों भी इस वक्त रुझान वध्या है। की कारण देख रहे हो कि बहुत विद्यार्थी वर्ग अपना जो इंट्रस्ट है न्यूजीलैंड दिखा रहे हैं? हुण जिहड़ा रीसेंट स्टैटिस्टिक्स है जिहड़ी इमीग्रेशन न्यूजीलैंड पब्लिश कर रही उस हिसाब नाल न्यूजीलैंड स्टूडेंट्स की जिहड़ा नंबर्स आ वो काफ़ी इनक्रीज़ होए हैं। तुसीं हुण जिहड़े भी देखिया होगा जिहड़े स्टूडेंट्स अपलाई कर रहे हैं जिन्हां दी पॉजिटिव प्रोफाइल एप्लीकेशन नहीं है उन्होंने 6 to 8 हफ्ते भी एप्लीकेशन डिसीजन ते लग रहे हैं। इहदा मतलब है कि पॉजिटिव आ न्यूजीलैंड वास्ते। न्यूजीलैंड एक इहो जी कंट्री है जिहड़ी कि सबनों अजकल यह पता है कि बहुत पीसफुल कंट्री है, उहदे च ऑपरचुनिटीज़ भी है इन टर्म्स ऑफ पी आर, यू नो शॉर्ट टर्म कोर्सिस करके भी तुसीं एलीजिबल हो जाते हो पी एस डबल्यू वास्ते, उहदे बाद तुहाडा पाथवे पी आर वास्ते बन जाता। हुण आस्ट्रेलिया नाल कंपेयर तुसीं करोगे आस्ट्रेलिया च मिनिमम 3 ईयर की डिग्री तुहानूं करनी है या मास्टर्स करना है तो 2 ईयर की मास्टर्स करनी है तब तुहानूं पी एस डबल्यू मिलता है, वो बाद फिर आयल्स की रिक्वायरमेंट आ। न्यूजीलैंड तो सब तो वड्डी गल है कि तुसीं पी एस डबल्यू चाहू वर्क भी जॉब मिल जाती है रेलिवेंट फील्ड से, तुसीं वही पी आर वास्ते अपनी ऑपरचुनिटी देख सकते हो अगे कि ऑपरचुनिटी उस आयल्स रिक्वायरमेंट भी नहीं है सब तो मेन इंपॉर्टेंट जी गल पी एस डबल्यू भी मिल जाता है, बाद कर सकते हो। काफ़ी अच्छा स्कोप है इस टाइम न्यूजीलैंड वास्ते शॉर्ट टर्म कोर्सेज जिम्मे फॉर एग्जाम्पल 12th पास स्टूडेंट आ जरा वो 18 महीने का मिनिमम कोर्स 4 semester का करके भी एक साल पी एस डबल्यू च एलीजिबल हो जाता। सिमिलरली जो बैचलर स्टूडेंट है ग्रेजुएशन जिन्हें हमने ही कंप्लीट की एक साल का कोर्स मिनिमम कर सकता है, एक साल के कोर्स के बाद भी और पी एस डबल्यू वास्ते एलीजिबल हो जाता है। तो काफ़ी सारा ईजी मैथड आ पी आर पाथवे वास्ते न्यूजीलैंड का जो अजक आया है। कि स्टेजा ने जो अभी पहली स्टेज होंगी वीजा लवाना, दूजी स्टेट एजुकेशन, तीजी स्टेट पी एस डबल्यू वर्क परमिट पी आर, इन्होंने दौरान कुछ हिडन भी है जो विद्यार्थी नहीं पता लगता जो अभी करियर काउंसलिंग कर? आई थिंक जो सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ आ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ आ पी आर पाथवे वास्ते या पी आर लैंड वास्ते। फर्स्ट इज न्यूजीलैंड जी क्वालिफिकेशन कर जा रहे होनू कंप्लीट करना है। सैकेंड तुहाडी जी एज आ ठीक है, एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जिहदे पॉइंट्स तुहानूं मिलते हैं वो भी इमीग्रेशन वैबसाइट पर सारा कुछ पॉइंट सिस्टम मैनशन आ। थर्ड आ गैटिंग ए जॉब ऑफर इन रिलेवेंट फील्ड, यू नो सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ उही है। तो जिहड़े इस कोर्स तुसीं करन जा रहे हो रिलेटेड तुहानूं उत्थे जॉब अपॉर्चुनिटी लभनी पेगी। कोई स्पाउस का नफा या नुकसान तो नहीं है पी आर दे विच? नहीं, कोई स्पाउस का कोई नफा, इनफैक्ट स्पाउस अगर एजुकेटेड आ या यू नो काफ़ी टैलेंटेड आ एक्सपीरियंस अच्छा है तो वह सपोर्ट मिलता है, इनफैक्ट एडिशनल सपोर्ट मिल जाता पी आर जो तुम अप्लाई कर दो तो कोई नैगेटिव कोई इंपैक्ट नहीं है। इनफैक्ट पी आर थोड़ा जहा पिछे आना चाहेंगे पंजाब के प्लस टू वाला जो विद्यार्थी है न्यूजीलैंड जाने की सोचता है प्लानिंग उन्होंने करियर काउंसलिंग करी है थोड़ी जी। पहले तो वीजा की जी रिक्वायरमेंट्स हैगी है प्लस टू वाले की होगी मोटिया मोटिया? सी प्लस टू वास्ते उन्हों तो एक तो 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। इंग्लिश तो आजकल काफ़ी फोकस कर रही है इमीग्रेशन न्यूजीलैंड, इवन कॉलेजेस भी काफ़ी हम स्ट्रिक्ट हो गए हैं और टाइम हम निकल गया कि अख बंद करके कोई भी ऑफर लेटर क्योंकि उन्होंने भी स्क्रूटनी हो रही है एग्जीक्यूटिव वालों। तो सब तो जिम्मे बार बार असं शो तो कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड वास्ते पर्टिकुलरली इंग्लिश लेवल होना चाहिए, यू नीड टू राइट रीड लिसन एंड स्पीक बेसिकली। 4 मॉड्यूल्स आयल्स से भी कवर होंगे ने। इनफैक्ट इस पॉइंट तो मैं ये भी मैनशन करना चाहूँगा अजकल आयल्स के अलावा स्टूडेंट्स जो न्यूजीलैंड वास्ते रुझान कर रहे हैं वो अपना अपीयरसन टेस्ट भी दे सकते हैं।
एक नवी डेवलपमेंट है। पीयरसन टेस्ट भी दे सकते हैं, पीयरसन भी एक्सेप्टेड आजकल। गल करिए तो इंग्लिश दे होर अल्टरनेट की ने न्यूजीलैंड दे विच। सी अल्टरनेट वही है कि आजकल इंटरनल टेस्ट भी कॉलेजेस ले रहे हैं, उन्होंने भी वही चार मॉड्यूल्स कवर करते हैं बेसिकली, और जिसने रीडिंग राइटिंग जी स्पीकिंग होंगी वही कवर करते हैं। इंटरनल टेस्ट है, MOI लैटर है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर थोड़ा स्कूलिंग जो है 8 to 12 तक अगर तुम इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है तो कॉलेजेस तुम्हें एग्जैम्प्ट कर देंगे आइल्स से। इवन IPP प्रोवाइडर्स कई सारे ने भी एग्जैम्प्ट कर देने। असं नैक्सट पॉइंट पर आवेंगे अगे कि IPP प्रोवाइडर्स है की वगैरह के। अच्छा, एक तो विदाउट आइल्स जिन्हें जाना वो एक वक्री शर्त हो गई, जिन्हें विद आइल्स जाना वो एक वक्री शर्त हो गई। ये जी ऑप्शन तुम दस रहे हो पीयरसन, ये किस लिए है? विदाउट आइल्स जो जाना चाहता विद्यार्थी? हाँ जी, जिन्हें आइल्स की है तो आइल्स तो वह है ही स्कोर, उन्होंने पीयरसन देने की जरूरत जरूरत जो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म, जिम्मे फॉर एग्जाम्पल पीयरसन का एडवांटेज है कि रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं मेरे ख्याल से। पीयरसन कहता है कि नेक्स्ट डे आ जाते हैं, बट टेक इट एज 5 डेज, 5 दिन रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे पीयरसन। अच्छा, 5 दिन। हाँ जी, हाँ एक एडवांटेज है जिम्मे आइल्स का स्कोर वास्ते वेट करना होंगे करीब करीब 13 to 14 दिन या 2 हफ्ते वेट करना होंगे, जल्दी आ सकता पीयरसन जो जल्दी हम जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जुलाई तो हम ऑलमोस्ट ओवर हो गया, जो ऑगस्ट सितंबर इनटेक्स या अक्टूबर इनटेक्स से हम न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं वास्ते पीयरसन टेस्ट भी आइडियल है, वो भी दे सकते। और कॉलेज कॉलेज की ऑप्शन रखता है, गल की कि 4 मॉड्यूल का एक टेस्ट लेंदा है, वो किना लिया? वो भी विदाउट आइल्स है? वो भी विदाउट आइल्स है, जिन्हें को फॉर एग्जाम्पल किन्होंने पंजाबी मीडियम से पढ़ाई की बट उन्होंने इंग्लिश अच्छी अच्छी है, उन्होंने इंग्लिश अच्छी है, ये इंग्लिश बोल सकते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं इंटरनल टेस्ट से, बट वो डिस्क्रिशन रहेगा असेसमेंट का जो रहेगा वो सारा कॉलेज से रहेगा। अगर वो खुश नहीं कि तो इंग्लिश लेवल अच्छा है वो इंटरनल टेस्ट से, तो देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर न्यूजीलैंड। प्लस टू तो जो है प्लस टू तो हो थोड़ी डिटेल गल करते हैं, प्लस टू लिए कोर्सेस ने घट्टो घट्टी PSW या PR लिए किन ड्यूरेशन का चूज करना चाहिए? सी जो 12th पास स्टूडेंट्स है बेसिकली उन्होंने 18 मंथ्स का मिनिमम कोर्स या 4 सेमेस्टर का मिनिमम कोर्स करना पेगा इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर PSW लैंड वास्ते, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा वास्ते। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने आर्ट सब्जेक्ट ने वो हॉस्पिटैलिटी कोर्स से जा सकते हैं, कुकरी कोर्सेस से जा सकते हैं, जिन्हों का IT बैकग्राउंड है फॉर एग्जाम्पल जिन्हों को कंप्यूटर साइंस है 12th में वो IT के कोर्सेस कर सकते हैं। IT के कोर्सेज की काफ़ी डिमांड है इस टाइम न्यूजीलैंड के स्टूडेंट्स कहते हैं कि IT के जॉब्स नहीं है। जिन्हें भी अच्छी कंपनीज है चाहे IBM हो, HCL हो, सब दे अपने ऑफिसेज है ने ऑकलैंड से, वेलिंगटन से, फुजिसू हो गया, सब दे ऑफिसेज है ने। अपॉर्चुनिटी IT दे बहुत अच्छी है इस टाइम, तो वो भी एक इनकैश कर सकते हैं। जिन्हें बिजनेस कोर्सेज ने इकोनॉमिक्स है या यू नो अकाउंट्स है, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स है, वो बिजनेस स्टडीज वास्ते जा सकते हैं, अकाउंटिंग कोर्सेज से जा सकते हैं। अकाउंटिंग कोर्सेज भी काफ़ी पॉपुलर ने न्यूजीलैंड के, 2 साल के या 1.5 साल के 18 महीने का चूज करना, मिनिमम 18 मंथ्स का कोर्स करना ता ही एलिजिबल होना। 18 तो बाद 1 साल का PSW, हाँ जी 2 साल का वर्क परमिट है। उसके बाद अगर PSW चे अगर उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी जॉब ऑफर मिलती है देन दे आर एलिजिबल फॉर 2 ईयर्स वर्क परमिट। कई एजेंट्स कह देते हैं मार्केट से कि उसके बाद 1 साल मिले 2 साल का मिल जाएगा, अगे एवं नहीं होता, सब्जेक्ट टू गेटिंग ए जॉब ऑफर इन रेलिवेंट फील्ड देन यू एक्सटेंड। इन की फर्क है PSW एंड वर्क परमिट की फर्क है, की एक्टिविटी है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? PSW चे तुसी जॉब लभनी है। अच्छा, जॉब लभनी है सिर्फ? पोस्ट स्टडी वर्क वीजा एक ओपन वर्क वीजा होता है जब तुम जॉब लभनी है लेवल। वर्क परमिट की होना जब तुम्हें जॉब मिल गई तो तुम्हें वर्क परमिट मिले फुल टाइम वर्क। अच्छा, जो PSW काम नहीं कर सकते? काम कर सकते हैं बट ओपन वर्क वीजा है, जब तुम्हें जॉब मिल जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगा वर्क परमिट। अच्छा, उदो तो होना है? हाँ जी, जो तक तुम सर्च कर रहे हो 20 घंटे अलाउ है, 20 घंटे विद्यार्थी काम कर दे तो स्टूडेंट वीजा टाइम पर अलाउड है। जो तुम स्टूडेंट वीजा तो हो तो 20 आवर्स ए वीक अलाउड है और होलीडेज से फुल टाइम जॉब कर सकते हो, इवन सेमेस्टर ब्रेक्स जो है उसे भी फुल टाइम जॉब कर सकते हो, बट PSW से भी फुल टाइम जॉब कर सकते हो सब्जेक्ट टू गेटिंग ए जॉब ऑफर। ऑब्वियसली जॉब ऑफर चाहिए, ऑफर चाहिए नहीं कर सकते, जो जॉब नहीं होगी तो फिर काम वर्क परमिट पा सकते हैं। फिर 2 साल तो बाद जो है ये दौरान कोई शर्त होंगी कुछ भी इन्ने घंटे काम करना है या कोई बैंड रिक्वायरमेंट चाहिए? बैंड रिक्वायरमेंट आइल्स की अज तक तो कुछ भी नहीं है। बाकी जिमें मैं पहले भी दसिया कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फर्स्ट इज गेटिंग ए न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन, कंप्लीशन ऑफ न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन, सेकंड ईयर एज, एंड थर्ड इज गेटिंग ए जॉब ऑफर। ये सारी इन्फॉर्मेशन आजकल ऑनलाइन है, किसी की करने की जरूरत नहीं है। जिमें मैं बार बार शोज़ तो कह रहा हूँ आजकल न्यूजीलैंड बहुत ट्रांसपेरेंटली काम कर रहा है, चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो चाहे PR वीज़ाज हो। PR वीज़ाज भी ऑनलाइन तुम्हें पॉइंट सिस्टम मैनशन मिल जाते हैं, immigration.govt.nz जो ऑनलाइन वैबसाइट है वह पॉइंट सिस्टम भी देख सकते हो, तो काफ़ी इनफॉर्मेशन अवेलेबल है। जी पॉपुलेशन है उन्होंने देखते हैं तो मैंने लगता है कि हले जी इमीग्रेशन पॉलिसीज़
ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੇਸ ਦੀਆਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਡ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਾਹੇ ਯੂਕੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 30-35 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਓਨਲੀ 8-10 ਈਅਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿ ਓਪਨ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ PR ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਓਪਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਔਰ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲੇ ਲਈ ਲੈਵਲਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਏਜੰਟਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਏਜੰਟਸ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ 12th ਪਾਸ ਫਰੈਸ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ 5-6 ਤੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਵਲ 5 ਦੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਔਰ ਅ ਕੁਕਰੀ ਕੋਰਸ ਔਰ ਉਹ 5-6 ਕੋਰਸ ਤੇ ਜਾਏਗਾ 5 ਯੂ نو 5 ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਪਾਥਵੇ ਟੂ 6 ਲੈਵਲ 6 18 ਮੰਥਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ 5 ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ 6 ਤੇ ਫਰਸਟ ਇਅਰ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਇਅਰ ਦਾ ਬੈਚਲਰਸ ਨੂੰ 5 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਇਅਰ ਨੂੰ 6 ਉਹ ਲੈਵਲ 6 ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਲੈਵਲ 6 ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੈਕਟ ਬੈਚਲਰਸ ਵੀ ਅਨੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਥਵੇ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰਸ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਥੋਂ ਪਲੱਸ BA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ਜਾਂ PG ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਨੇ PR ਦੇ BA ਵਾਲੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ BA ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ BCA ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ BCOM ਕੀਤਾ ਹੈ BBA ਕੀਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਜਾਂ ਲੈਵਲ 7 ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਕੋਰਸਸ ਆ ਇੱਕ ਸੋਰਟ ਆਫ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਕੋਰਸਸ ਆ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਕੋਰਸਸ 1 ਇਅਰ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਸਟਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BBA ਹੈ BCOM ਹੈ MBA ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਬਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ AUT ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ MSc ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨੀਟੈਕ ਲੈ ਲਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਇਕਾਟੋ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਅਕਟੋਬਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰੀਸੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ 1 ਇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਛੁੱਕ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਓਪਨ ਹੈ PSW ਔਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੇਮ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੇਮ ਮਿਲਦਾ ਐਨੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯੂ ਡੂ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ 12th ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਾ ਕਿਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ 18 ਦਾ ਹੁੰਦਾ PG ਨਹੀਂ PG 1 ਸਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸਟਰਸ ਕਈ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਅਵੇਲ੬ਬਲ ਨੇ ਕਈ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ PG ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ PG ਡਿਪਲੋਮਾ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੈਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਚੇਨ ਹੋਣਗੇ ਸੀ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਸਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ نو 10th 12th ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਚਲਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਲੇਟ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਾਸਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਦ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 12th ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਹ ਵਰਡ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਕਰ ਲਏ 2-3 ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2014 ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਕੂਲਸ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਦੇ ਕੇ ਦਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਅੱਛਾ IPP ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ IPP ਲਈ 3-4 ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ IPP ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ IPP ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ IPP ਅੱਗੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗੀ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜ ਕਿਊ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪਰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ IPP ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਹੈਪੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ IPP ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ
और ਜਿਹੜਾ ਆਈਪੀਪੀ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਆਈਪੀ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਨੰਬਰ 1 ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਲਿਮਿਟਡ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਈਪੀਪੀ ਵਾਲੇ ਆਈਪੀਪੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੌਰੀ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ 5 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਜਾਂ 15 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ तो इस वास्ते तुसी अच्छे मैं स्टूडेंट्स नू यही कहांगा या पेरेंट्स ने कहांगा अच्छे कंसल्टेंट जाके उन्हां दी राय लो कि एप्लीकेशन किस तरह नाल प्रोसेस हो सकती है आईपीपी च हो सकती है नहीं हो सकती टाइम फ्रेम की है अजकल ये सब चीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉस लगता है आईपीपी च स्पॉस भी लग सकता है आईपीपी च क्यों नहीं लग सकता अगर कॉलेज आईपीपी जो कॉलेज है इंस्टीट्यूशन अगर वो एग्री करता है एप्लीकेशन नू कि यह प्रोसेस हो सकती है या एजेंट की राय लेंदा एजेंट की कंजक्शन में एजेंट अगर कहता है कि ठीक है अच्छी एप्लीकेशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵੀ ਰਾਜੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਆਈਪੀਪੀ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਆਈਪੀਪੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਈਪੀਪੀ ਚ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਆਈਪੀਪੀ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੋਨਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈਪੀਪੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਆਈਪੀਪੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ एजेंट और आईपीपी प्रोवाइडर दोनों असी शेयर करांगे ठीक है ये असी शेयर करांगे इंटर्न आईपीपी प्रोवाइडर एक कह रहा है एजेंट नू ये असी दोनों शेयर करांगे रिस्पांसिबिलिटी ते इहदे विच काफी केयरफुल सानू भी होना पैंदा इंस्टीट्यूशन नू भी होना पैंदा दोनों दे आ गई है हां जी इमिग्रेशन सिर्फ ये कह रहा है कि अगर साडे कोल आईपीपी नोमिनेशन लेटर है इंस्टीट्यूशन दा साडा काम कुछ भी नहीं है साडे असी पीसीसी मेडिकल पासपोर्ट चेक करना और उहदे बाद असी वीजा नू अप्रूव कर देवांगे जी जिहड़ा तुसी मुद्दा पहला भी छड्या सी बड़ा इंपोर्टेंट है जिहड़े विद्यार्थी विदाउट आईएलस जाना चाहुंदे ने इंटेलीजेंट हुंदे ने विदाउट आईएलस दा भाव मेरे ख्याल इत्थे दूजे शब्दां च लेना चाहिए कि वह बाकी आईएलस वालेयां नालों भी शायद कितने कितने इंटेलीजेंट हुंदे ने मेरा ख्याल जरूरी है कि जो है आईपीपी मिल सकता है एमओ आई की तुम गल छेड़ी सी सारे कॉलेज इस चीज़ में आईपीपी प्रूव कर देने एमओआई नहीं एमओ आई लैटर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लैटर कहते हैं और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ने जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की 8वीं तो लेकर 12वीं तक कई आईपीपी इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जाम्पल नोट कर सकते हो फिटरिया जिन्होंने वाइट एरिया भी कहते हैं ऑकलैंड बेस्ड आ न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन आए कैंपस ऑकलैंड और वेलिंगटन च एमओ आई लैटर एक्सैप्ट कर रहे हैं ठीक है दूसरा जो इंस्टीट्यूशन आ जो एमओ आई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लैटर एक्सैप्ट कर रहा है विंटेक है वाइकाटो वाइकाटो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैमिल्टन च तीसरा जो मेरे ज़्यादा फोकस कराँगा वो NMIT नेल्सन एंड मार्लबोरो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो भी एमओ आई से एक्सैप्ट कर लेंगे ठीक है इन्होंने सारे तीनों नू मिला के सारे ऑलमोस्ट सारे कोर्सेस कवर्ड हो जाते हैं अजकल ठीक है तो यह इंप्लाई कर सकते उसके अलावा जेडे हुण रीजन वाइज अगर मैं दसा फॉर एग्जाम्पल किसी ने वेलिंगटन जाना है तो वेलिंगटन च वेलटेक ऑप्शन है वेलिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है लेकिन वो एमओ आई एट द मोमेंट एमओ आई एक्सैप्ट नहीं कर रहे उन्होंने आईएलस कोर्स चाहिए बट केस टू केस बेसिस से अगर कोई CBSE बोर्ड है ICSE बोर्ड है चेन्नई बोर्ड है कलकत्ता बोर्ड है अच्छे नंबर जिन्होंने इंग्लिश मार्क्स है एज ए एग्जामिशन अनकंडीशनल ऑफर भी दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हम क्राइस्ट चर्च किसी ने जाना स्टूडेंट्स अजकल क्राइस्ट चर्च वाल काफ़ी रुझान कर रहे हैं क्राइस्ट चर्च जाना तो जो CPIT है क्राइस्ट चर्च पॉलीटेक्निक है वो भी आईपीपी चाहता है ठीक है या लिंकन यूनिवर्सिटी अगर देखना तो कैंटरबरी या लिंकन यूनिवर्सिटी है ये सब देख सकते हो क्राइस्ट चर्च एरिया से यह भी इशू कर रहे हैं लेकिन ये भी एमओ आई एक्सैप्ट नहीं होएगा इंग्लिश मार्क्स चाहिए जिम्मे मैं क्या कि अगर किसी का CBSE बोर्ड आ ICSE बोर्ड आ तो उन्होंने भी एक्सैप्ट कर रहे हैं अनकंडीशनल ऑफर वास्ते अच्छा एक विद्यार्थी आईपीपी ला लेंदा दूजा जो है जनरल दे विच ले जांदा है सब्जेक्ट सेम हो सब्जेक्टा का एक जो कंटेंट है या सिलेबस है उन्होंने जो जो उन्हें पढ़ना है वो सेम होंगे आईपीपी आईपीपी से कोई आईपीपी पढ़ाई नाल कोई मतलब नहीं है okay, वीजा प्रोसेस नाल मतलब हाँ आईपीपी का फुल फॉर्म है इंडस्ट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम एदा सिर्फ जरा कंसर्न है दैट इज विद रिगार्ड टू प्रोसेसिंग ऑफ वीजा ठीक है इट इज नथिंग टू डू विद कि सब्जेक्ट केड़ा पढ़ रहे हो या केड़ा कोर्स तुसी ले रहे हो उहदे नाल कोई मतलब नहीं उहदे विच अगर एजेंट जड़ा है या और जड़ा आईपीपी प्रोवाइडर अगर इन कंजक्शन डिसाइड करते हैं कि भैया जो स्टूडेंट है यदि जी एप्लीकेशन है आईपीपी के अंडर अगर फिट बैठती है तो आईपीपी का नोमीनेशन लैटर उन्होंने इशू हो जाएगा जेहड़ा तुसी मुद्दा छड़ा एक बहुत वधिया है कि इहदा संबंध सिर्फ एक वीज़ा प्रोसैस नाल है वीज़ा प्रोसैस दे विच कोर बहुत टैक्निकल पॉइंट देखने को मिलता है पंजाब दे विच प्लस टू की
बहुत रुझान होंगे कि दो साल कितने कितने जॉब कर ली है जब बी ए की कितने कितने जॉब कर ली एग्जाम्पल आप लेने के की बी कॉम सी ठीक है ना जॉब किसी होर तरह के फील्ड के लै लीए कि इंट्रस्ट बन गया कि मैं जोड़ा है कुक बनना शेफ बनना बाद होटल लग गया बी ए की हैगी है आर्ट्स के तो काम असं अजिहा कर रहे हैं जी पढ़ाई नाल कोई संबंध नहीं फिर जी सिलेक्शन ऑफ कोर्स करनी है न्यूजीलैंड दे विच वो किस किस आधार पर करनी है एजुकेशन और एक्सपीरियंस सी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यू नो नॉर्मली एजुकेशन जिहड़ा रीसेंट जिहड़ा प्रोफाइल आ स्टूडेंट का वो इंपॉर्टेंट आ फॉर एग्जाम्पल किसी ने बी ए की है बाद होटल च काम कर रहा होटल लाइन च एज ए मैनेजर काम कर रहा है या फॉर एग्जाम्पल उन्होंने थोड़े बहुत छोटे मोटे कुकरी कोर्स किए एज ए कुक काम कर रहा है दो तीन साल का तो इस केस से असं यही एडवाइस करेंगे जो रीसेंट ट्रेंड आ फॉर एग्जाम्पल रीसेंट प्रोफाइल आ जिवें कुक आ तो उन्हें कुकरी के कोर्स से जाना चाहिए क्योंकि रीसेंट ट्रेंड उही है ठीक है फॉर एग्जाम्पल किसी ने होटल मैनेजमेंट एज ए मैनेजर जॉब कर रहा है तो उन्हें जाना चाहिए होटल मैनेजमेंट कोर्सिस से जाए पीजी डिप्लोमा जाए ग्रैडेप होटल मैनेजमेंट कोर्सिस से जाए और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा वीजा चांसिस ज़्यादा है क्योंकि भी देखने पहले भी मिले हूँ भी अगर देखने मिल रहा है कि जो बच्चे अपना कोर्सिस स्विच करते हैं पिछले कुछ होर किया है मेरे ख्याल बड़े सौखे ढंग वीजा देंदे न्यूजीलैंड समझदा इस चीज़ को कि हालातों के विद्यार्थी ने माँ प्यो या घर के प्रैशर च जो है बी कॉम कर ली से इंट्रस्ट आर्ट्स के सब्जेक्टों के इंट्रस्ट डेयरी के एक्वाकल्चर चाह मेरे ख्याल एक बहुत सौखा प्रोसैस है न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का प्रोसैस यह है कि एक तरह का यू नो इट्स नॉट लाइक ए ड्रॉपबॉक्स और ड्रॉपबॉक्स तो है नहीं कि तुसी पॉइंट सिस्टम दी हिसाब नाल फाइल पाती थोड़ा वीजा आ गया ठीक है एक वीजा ऑफिसर एलोकेट होंदा हर एप्लीकेशन और ऑलमोस्ट आई थिंक 95% या 90% कह लो सारे इंडियन वीजा ऑफिसर्स ने वो थोड़ी मेंटल साइकिल समझते हैं इंडियन मेंटेलिटी वो समझते हैं उन्होंने एग्जैक्टली पता है कि तुसी की सोच रहे हो की किया तुरी क्वालिफिकेशन अगर तुहाडा रुझान दूसरे वर्क एक्सपीरियंस कुछ और ऑब्वियसली तुहाडा जिहड़ा फर्दर क्वालिफिकेशन ना उन्होंने रिलेट करके ही होना चाहिए उस रीसेंट क्वालिफिकेशन या रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस लैके ही होना चाहिए वो ज्यादा बेटर है वो ज्यादा उन्होंने कन्विंस करेगा हाँ ठीक है बच्चे जॉब हूँ मिली है ये कर रहा है तो ऑब्वियसली उस रिलेटेड अगर कोर्स वो करेगा अगे उन्होंने बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिली उस रिलेटेड और जी जी पंजाब तो जाने वाले विद्यार्थी पंजाब ही नहीं कहूँगा किसी भी भारत के किसी भी कोने तो जाते हैं चाहे तुहाडे थ्रू जाते हैं किसी थ्रू जाते हैं कॉलेजेस किन्नी कुछ सपोर्ट करता है कोई बच्चा मेंटली प्रेशर है विद्यार्थी लगता है कि आह मैं हूँ चेंज करना है कुछ भी चेंज करना है चलो ठीक है असं कहने के माइग्रेशन लेनी एक माड़ी चीज़ है पर उन्होंने हालात बीमार हो गया बच्चा या कोई छोटी मोटी फैसिलिटीज़ हैं अकोमोडेशन पसंद नहीं आ रही जो कॉलेजेस ने कि सारे कॉलेजेस सपोर्ट करते हैं कुछ खास कॉलेजेस पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज जड़ियाँ वो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड तो अच्छा कुछ भी नहीं है न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूशन तो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 6-7 साल 8 साल तो बहुत ही अच्छा वर्क रहा है जिन्हें भी कॉलेजेस में देखे बहुत सारे स्टूडेंट्स होमसिक फील करते हैं या कुड़ियाँ जाते हैं मुंडे जाते हैं होमसिक फील करते हैं नैचुरल है यू नो 12th पास स्टूडेंट ऑब्वियसली नैचुरल है किसी ने बैचलर भी अगर की हुई और कभी बाहर नहीं गया वो बाहर जाके दूसरे मुल्क से जाएगा उतने नवी एक सोसाइटी है सब कुछ देख के वो कई बार होमसिक फील करता है डिप्रेशन चला जाता है रीसेंट केस एक वैराकी ते रोटोरुआ च एक स्टूडेंट गया यू नो वो जाते ही उत्थे होमसिक फील है मतलब डिप्रेशन ऑलमोस्ट डिप्रेशन से चला गया वो ठीक है पेरेंट्स के टच से असी भी हैं सब तो वड्डी गल है कि कॉलेज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट आ जाता है स्टूडेंट्स के पेरेंट्स नाल ओके फर्स्ट स्टेप सैकेंड स्टेप हॉस्पिटल एडमिट करता है जो उन्होंने इंटरनेशनल टीम होंगी है फॉर एग्जाम्पल हर कॉलेज से न्यूजीलैंड से अजकल जो मैं पिछले शो से भी किया कि इंटरनेशनल टीम से इंडियंस है जो इंडियंस नहीं इंडियंस उत्थे टेक केयर करते हैं एग्जाम्पल ए स्टूडेंट जो गया है उन्होंने हम जो भी उत्थे वैराकी जी है परमदीप जी है उन्होंने परसनल केयर किया है हॉस्पिटल एडमिट किया है वो डिप्रेशन पेरेंट्स के टच से आए उन्होंने सारा कुछ संभालिया उत्थे एक बहुत अच्छी चीज़ है पेरेंट्स भी काफ़ी खुश ने कह रहे हैं कि साड़ी उत्थे जाने की जरूरत नहीं है उत्थे तो सब कुछ है अपने आप टैकल करेंगे इंश्योरेंस भी काफ़ी एक्टिव इंश्योरेंस कवर्स जो होंगे ने बड़े एक्टिव ने फॉर एग्जाम्पल हर कोई हॉस्पिटल एडमिट हुआ है नहीं कि पेरेंट्स से सारा बर्डन पेगा इंश्योरेंस कंपनी उत्थे कवर करती है फॉर एग्जाम्पल जो मैं केस इंश्योरेंस उत्थे जिवें कॉलेज से रिपोर्ट करता इंश्योरेंस तो कवर होता है जिवें कॉलेज से रिपोर्ट करता स्टूडेंट उत्थे इंश्योरेंस कवर उसी दिन तो शुरू हो जाता है एक कारण है एक इंडिविजुअली विद्यार्थी की सोच होती है प्रेशराइज हो जाता है डिप्रेशन च आ जाता है नहीं कुछ उत्थे नहीं होंदा नैचुरल ही है बेसिकली यू नो जदों असीं भी बाहर गए सी असीं भी होमसिक होए सी यू नो असीं भी जदों बाहर ट्रैवल कीता सी पढ़ाई कीती इनिशियली कितने भी जाओ तुसीं 15 दिन एक महीना लगता ही है अगर बच्चे नूं एक महीना अगर यूज टू हो जाए मैं बहुत सारे केसिस है इन्हें कि हम जलंधर ऑफिस में देखा जी यू नो एक पेरेंट आए थे उन्होंने अपने होर बच्चे भेजना उन्होंने छोटा मुंडा उत्थे गया है ठीक है वो कह रहा पहले 15 दिन से उन्हें कहता सी हाथ खड़े कि मैं वापस इंडिया आना है मैं नहीं रहना किसी भी हालत मैंने टिकट भेजो आज जो 2 महीने उत्थे बच्चा है वो पेरेंट्स मैंने आके कह रहे नहीं बच्चे नु असी कह रहे आ जाओ कह रहा नहीं आना तो इनिशियली मैं हर यानी कि महीना 2 महीना होता पहला हर स्टूडेंट या पेरेंट्स नु कहना कि तुसी इन्ने फंड्स दे के चलो स्टूडेंट्स नु जब इन्ना पैसा खर्च किया फीस से और अदर थिंग्स से तो उन्होंने 2 महीने का एक बफर पैसा दे के स्टूडेंट नु भेजो ताकि वो
थोड़ा जा मतलब थोड़ा रिलैक्स करे, ये नहीं कि पहले दिन तो ही बर्डन होते जो पाता कि पार्ट टाइम जॉब चाहिए है ये चाहिए है सब कुछ नहीं, थोड़ा जा उन्होंने दो महीने रिलैक्स होने दो, सोसाइटी से यूज टू होने दो, बाद सब कुछ ठीक हो जाता कोई प्रॉब्लम नहीं। विदेश गया हुआ बच्चा जां नवजम्मया बच्चा भारत विच इक्को बराबर हुंदा है, उहदे लई सारा कुछ नवांपण हैगा, उहनूं छोटी छोटी बीमारियां भी लगनियां ने, जदों बच्चा दंद कटदा उहदियां आपदी तकलीफ भी हुंदी है मां प्यो नूं भी हुंदी है, सो ज्यों 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 वड्डा हुंदा सो उस चीज़ की आदत नेचर दे नाल मिलना घुलना बीमारियां दे नाल लड़न दा साहस मां प्यो नूं उस चीज़ नूं समझण दी, सो इस तरह का प्रवास दे विच सिस्टम हैगा, तुसीं इक नवजम्मे बच्चे वांगू तुहानूं थोड़ी मोटियां जिहड़ियां तकलीफां ने उहनां दा सामना जरूर करना पै सकदा। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया। खास तौर पर मिडवे वालों बहुत सारिया जिहड़ियां सैमीनार्स हैं उन्होंने दौरान शोज़ के दौरान एडवर्टीजमेंट के दौरान जिहड़ियां पॉलिसीज ने वह जरूर दसिया जाते हैं, क्योंकि मिडवे एक जिहड़े स्पैशल एजेंट्स ने न्यूजीलैंड के जो कि विशेष तौर पर सिर्फ तो सिर्फ न्यूजीलैंड की ही फाइल लाने के जिहड़े एक्सपर्ट्स ने, बाकी किसी भी देश में डील नहीं करते, इस करके इस मंच तो हमेशा ही असं इन्हों बुलाने की कोशिश करें ताकि न्यूजीलैंड की जिहड़ियां पॉलिसीज ने तुहाडे तक पहुँच सकन। शो इत्थे खत्म कर रहे हैं, 3:30 बजे कल फिर हाजिर होंगे, तद तक अपने दोस्त रणवीर सिंह नगर का शुक्रिया।